प्रणाम दोस्तों, हम दीपक ठाकुर और आप हमको देख रहे हैं टेली चस्का पे। तो ऐसे ही हमारा चस्का लगा के और टेली चस्का को देखते रहिए। देखिए, तो आज हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 13, जिसमें घमासान हो रहा है एकदम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिडनाज के बारे में। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला जी का और शहनाज का जो भी बॉन्डिंग था, स्ट्रांग बॉन्डिंग था, उसको लगता है किसी की नजर लग गई है और वो बॉन्डिंग क्या है, टूट। अब शुक्ला जी को देखिए, एक चीज क्या होता है ना कि किसी भी रिश्ता में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक जैसा नहीं चल सकता वो रिश्ता। और अगर वो एक जैसा चल रहा है, मतलब कि एक दूसरे को लोग चेरी मार रहे हैं, तो ये जो रिश्ता था ना, ये बहुत क्यूट था। हम चाहते हैं कि ये फिर से वापस हो, ये फिर से वापसी करे। और सना का क्यूटनेस और उनका बार बार सिद्धार्थ को मनाना, सिद्धार्थ का रोकना, ये जारी रहे, क्योंकि ये शो में ना एक अलग एंगल और एक अलग जान फूंकता है। देखिए, तो अब करेंगे बात, अभी जो एलाइट क्लब का जो ये अगला टास्क हुआ था, जिसमें घर वालों ने कुछ ना कुछ करवाया था आरती और रश्मि से, और उसमें हिना खान आई थी जज बनके। तो यही कहेंगे कि देखिए, एकदम अनफेयर था डिसीजन। और अनफेयर इसलिए कि आरती, देखिए, अगर वो पहनी हुई थी, एक्सटेंशन लगाई हुई थी बालों में, अगर वो चाहती तो वो कहती कि यहां से उड़वा दो, लेकिन वो नहीं की। वो जेन्युइनली वो उन्होंने अपना बाल कटवाया और मिर्ची खाई, और बिग बॉस का मिर्ची कितना तीखा होता है ये हम जानते हैं। तो उनकी जो कुर्बानी थी, हमारे हिसाब से रश्मि के सामने में कोई मतलब ऐसा नहीं था कि रश्मि ने बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा कुर्बानी, हाँ उन्होंने भी टास्क किया था और दिल से किया था, बट आरती की कुर्बानी ज्यादा सही थी और ज्यादा बड़ी थी। तो उनको डिसीजन लेना चाहिए था, हिना खान को। वो सेलिब्रिटी प्रेम, टेलीविजन इंडस्ट्री का प्रेम, वो छलकाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, और वो आरती का हक मार के चली गई और गेम को, दोनों को मोटिवेट करके, और ये वो, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, दोनों ने अच्छा किया, ये किया, वो किया। भाई, जिसने अच्छा किया पहले उसको तो दे दो, उसका हक मार के आप जा रहे हो तो ये भी तो गलत है। अब देखिए, पारस छाबड़ा और माहिरा की बात करते हैं, तो इन दोनों का अपना रामकथा चल रहा है इनका, मतलब हमको इस बार के ना, मतलब ये दोनों हमको लग रहे हैं चंगू मंगू, मतलब इनका अपना ही चल रहा है अपना, मतलब कि कोई लग रहा है कि ये दूसरे टापू पे आ गए हैं, अपना अपनी दुनिया बसाए हुए हैं, ठीक है। और पारस उनको कहता है, नहीं नहीं तू ऐसा क्यों, तू तो दिखती है, तुम तो स्ट्रांग हो ही, और जब जरूरत पड़ती है कि भाई तुम उसका हाथ छोड़ो, थोड़ा उसको भी करने दो, स्टैंड लेने दो, तुम उसके सच्चे दोस्त हो। और जब उसको बार बार ऐसा फीडबैक आ रहा है कि माहिरा, पारस तुम्हारे बदले स्टैंड ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, तो तुम क्यों बार बार उसमें कूद रहे हो, उसकी बातों में तुम खुद क्यों कूदते हो, तुम क्यों नहीं बोलते कि तुम बोलो अभी से, तुम कहते हो कि नहीं नहीं 3 महीना जो चला है, भाई वो लड़की इमेज, उसको लग रहा है कि उसका इमेज खराब हो रहा है लास्ट टाइम में आते आते, और लोग वो अपना स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पा रही है, तो तुम उसको, उस चीज को क्लियर करो ना, उसके लिए जो एक्टिविटी कर सकते हो, जो चीजें तुम कर सकते हो वो करो ना, तुम फालतू का बेतुका कर। अब बाबू तुम्हारा तो जो बाहर जाओ, तुम ये लबी डबी के चक्कर में चैनल पे, और टीआरपी के चक्कर में, और फुटेज के चक्कर में, जो तुम अपना घर वाला जो रिश्ता बाहर जो छोड़ के आए थे, उसको जो तुम जो तबाह किए हो, अभी तुमको तो बाबू। देखिए, और वो जो घोड़ा गाड़ी वाला टास्क था, उसमें क्लियर पता चल रहा था कि असीम जी, उनकी आंखों की जो दृष्टि थी, पता नहीं उस क्षणिक पल के लिए क्या हो गया था, कहाँ गायब हो गया था। लग रहा था वो कि जैसे कोई आसन वासन में लीन एकदम, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हाँ, हालांकि दोस्ती में आके वो उठाया गया कदम था, बट गेम के इस पड़ाव पे आदमी अगर अपने आप को जेन्युइन कहता है तो उसको जेन्युइन बना ही रहना चाहिए, और उनको सही डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि क्लियर पता चल रहा था कि विशाल घोड़े से उतर गया है, और विशाल को भी एटलीस्ट इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बचा हो, और उसको ये करना चाहिए था कि हाँ भाई, हम उतरे हैं और हम ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दुनिया की नजरों में और, मतलब वो होता कि चलो भाई सच्चा इंसान है, बट वो भी अपने झूठ प्यारा रहा, तो इसलिए हाइपर हुए वो सिद्धार्थ शुक्ला, और इसीलिए वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया कि यार झूठ 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 झूठ
गेम के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये बर्दाश्त नहीं हो पाया उनसे, बट उनको भी टेम्पर पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि वो शो है, और तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। शुक्ला जी को बार बार पोक करने पर शुक्ला जी हाइपर होते हैं, और सामने में गेस्ट आए हुआ हिना खान मैडम आई हुई हैं, और उसके बाद वो पीछे से कुछ 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 हमेशा चपड़ 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 बोल रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि एक सीमा पे बंदा पहुंचने के बाद वो रिएक्ट करेगा, तो वो जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है एकदम काम धेनु गाय कि भाई हम तो कुछ किए ही नहीं थे, देखिए खुद हाइपर हो रहा है, खुद ये कर रहा है। उसको पता है कि उसका किस चीज़ को बोलेगा तो वो ट्रिगर होगा बंदा, तो वो वैसे कर रहा है। और जब कन्फेशन रूम में बुलाया गया दोनों को, और जब बोला गया कि देखो तुम ऐसे मत करो ऐसे मत करो, और जब असीम को भेजा गया तो असीम को ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जी को अकेले अंदर बैठा के और बिग बॉस भोग लगाएंगे और उनको मोतीचूर के लड्डू खिलाया जाएगा अंदर, और इनके साथ बेईमानी हुआ है, इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि इनको लड्डू कहे नहीं मिला, इसलिए ये बगल में खड़े थे कि देखते हैं क्या दीवारों के भी कान होते हैं टाइप कि सुन लेंगे। फिर बाद में बुलाया गया अंदर और फिर उनको डिस्पैच किया गया। तो ये जो है ना, ये झगड़ा मतलब कि ये चूंकि अब ये दूसरे लेवल पे जा रहा है, इतना मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि ये उसके फैमिली को कट रहा है, वो इसको, और एक्चुअली हमको लग रहा है ऐसा कि वो सिंपैथी के लिए कर रहा है आसिम, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिद्धार्थ गलत होगा और मारे वारेगा क्योंकि हाइपर इंसान है, मार के वो निकल ले, एक्चुअली वो ये चाह रहा है। शुक्ला जी आप थोड़ा टेम्पर बनाए रखिए।